चौधरी चरण सिंह जी और विजय सिंह पथिक जी किसान नेता हुए, उनका दोनों की मूर्ति तस्वीर लगाई। लेकिन आज आपको पता है, जैसे ही कुलविंदर जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटा, और आपके विजय सिंह पथिक जी, जो कि बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं और जिन्होंने सत्याग्रह का सूत्रपात किया हो, राजस्थान में राजस्थान का नाम जिन्होंने रखा हो, इतने बड़े क्रांतिकारी, उनके तस्वीर को हटा दिया गया जिला पंचायत से, उसके खिलाफ ये पंचायत हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत अधाना और अधाना टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको बता दें, आज हम मेरठ पहुंचे हैं। आपको बता दें, यहां पर जो जिला पंचायत कार्यालय का जो वहां पर कार्यालय है, वहां से विजय सिंह पथिक जी की तस्वीर को हटाकर जो वहां पर जो हटाई गई है, उसको लेकर गुर्जर समाज में आक्रोश। आपको बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पंचायत का आयोजन किया गया। सीधे बातचीत करते हैं यहाँ से मुख्य गुर्जर जी से। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अधाना टीवी में। जी सर, आपको बार बार क्यों पंचायत की जरूरत पड़ रही है? सर बार बार नहीं, ये शुरुआत है यहाँ मेरठ में, तो बाकी बार बार तो वहाँ इसलिए देश में करनी पड़ रही है कि हमारे पूर्वज गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी के तस्वीर पर वहाँ कालिक पोतने का काम हुआ। हमें पूरा देश में गुर्जरों में आक्रोश है, और अभी उसकी आग ठंडी नहीं हुई थी जो हमारे सीने में धधक रही है। तो हमारी इस मेरठ की क्रांति धरा पर जो हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यालय है, उसमें तमाम महापुरुष और क्रांतिकारियों की हमने खुद तस्वीरें लगाई थी, उनमें एक विजय सिंह पथिक जी की भी थी और चौधरी चरण सिंह जी की, दोनों की बराबर में लगाई हमने। लेकिन वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ने शहीद विजय सिंह पथिक जी की तस्वीर को वहाँ से हटा दिया है, जिससे पूरे गुर्जर समाज में आक्रोश है। मेरठ में 5 दिन का समय दिया गया, अगर वो तस्वीर लग जाती है तो ठीक, वरना फिर हम वहाँ उसका घेराव करेंगे जिला पंचायत। जी, अगर 5 दिन के बाद भी ये नहीं होता तो फिर आगे आप क्या करोगे? जिला पंचायत कार्यालय का घेराव करके जबरन वहाँ पथिक जी को हम स्थापित करेंगे। जी, और आप क्या कहना, आज आप अपने समाज से क्या कहना चाहोगे? मैं अपने समाज से ये कहना चाहता हूँ, संगठित हो जाओ। अगर अपनी इज्जत करवानी है सारी बिरादरियों को, तो सम्मान करो, कोई मजहब में और धर्म में किसी में भेद मत करो, सबको गले लगाओ, और अपना यहाँ से ऐसा प्रतिनिधि चुनो जो पार्टी का गुलामियत तो करे लेकिन समाज के लिए भी आवाज़ बुलंद करे जब समाज को उसकी ज़रूरत हो। जी, आपको क्या कहना है? मैं ममता भाटी गुर्जर अपनी समस्त मातृशक्ति की टीम की ओर से ये चेतावनी समझ लीजिए या हमारी विनती समझ लीजिए कि बार बार हमारे इतिहास की धरोहरों को क्यों छेड़ा जा रहा है, क्यों उनको मिटाया जा रहा है, मतलब इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की। और हमारा जैसा भाई मुखिया गुर्जर ने अभी कहा है, हमारा ना किसी बिरादरी से कोई बैर है, ना किसी मजहब से कोई बैर है, लेकिन अपनी संस्कृति की रक्षा करने में हम सक्षम हैं। और उसके लिए हमें 2022 में जो चुनाव आ रहा है, उसमें हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। जो दादरी में कालिक पोती गई, वो लड़ाई हमने उसी रातों रात जीती, वो गुर्जर शब्द वापस लिखा गया। उसी तरह से जैसे आज यहाँ पर हमारे गुर्जर, जो हमारे गुर्जर के सम्मान है विजय सिंह पथिक जी की, जो आज मूर्ति यहाँ से हटाई गई है, 5 दिन के अंदर अंदर उस मूर्ति को पुनः स्थापित कर दिया जाए। अगर वो स्थापित नहीं की जाती है तो हम भाई मुखिया गुर्जर के नेतृत्व में पूरी मातृशक्ति टीम, जितने भी हमारे भाई हैं, सब हम मिलकर के उसको जबरदस्ती पुनः स्थापित करेंगे। जी, आपका क्या कहना है? जो हमारे, मैं डॉक्टर बबीता सिंह गुर्जर, हमारे जो पूर्वजों का बार बार अपमान किया जा रहा है, इससे हम लोग आक्रोशित हैं और अंदर ही अंदर दुखी हैं, क्योंकि हम किसी भी समाज का अपमान नहीं चाहते, ना करते हैं। हमारे गुर्जर समाज के साथ बार बार हमसे ये खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उसके लिए हम प्रतिशोध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब चूंकि अब पथिक जी की जो मूर्ति है उसको हटाया गया है, तो हम अब 5 दिन का इंतजार करते हैं, उसके बाद पूरी सेना, जो भी उनको अपना आक्रोश दिखाना होगा, वो आपको सड़कों पर सब कुछ मिलेगा। जी सोनू जी, सबसे पहले तो आपका क्रांतिकारी धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, आप क्या कहना चाहोगे? सर सीधी सी बात है, हम गुर्जरों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब हमारा गुर्जर समाज भी जाग चुका है। भगवान कृष्ण ने भी 100 गलतियां माफ़ करी थी, तो हम तो कृष्ण से बड़े नहीं, तो हर गलती का जवाब उन्हें उसी अंदाज में दिया जाएगा जो जिस भाषा में समझेगा। और अपने इतिहास को हम मिटने नहीं देंगे, चाहे सरकार ने कितना भी आ जाए, जो इतिहास हमारा था है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो सुनना चाहते हैं, कि महिर भोज गुर्जर थे, गुर्जर हैं और गुर्जर ही रहेंगे। पृथ्वीराज चौहान भी गुर्जर थे और हैं और रहेंगे, और उनके साथ अगर किसी ने भी छेड़खानी की, चाहे
कोई समाज हो या कोई सरकार हो तो उसे गुर्जर समाज उसी भाषा में जवाब देगा, क्योंकि ये मेरठ की धरती है, ये क्रांतिकारी धरा है, धन सिंह कोतवाल की धरती है, यहाँ से क्रांति हुई है और ये महाभारतकालीन धरती है। अगर गुर्जरों को कुरुक्षेत्र भी लड़ना पड़ा तो गुर्जर पीछे नहीं हटेगा। क्या आपको लगता है कि आपकी आपकी जाति को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, पूरे जोर से। आज हम गुर्जरों को एक तरह से जैसे अंग्रेज टारगेट किया करते थे, ये सरकार हमें टारगेट कर रही है, लेकिन गुर्जर समाज हटने वाला नहीं।